लेट्स टेक अ फोन कॉल. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है साहिब भाई? ठीक है आप? बहुत अच्छा. आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है साहिब भाई. मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरी कॉल मिल गई है. मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आपकी कॉल मिल गई. बताएं. मेरी तो फिंगर थक गई थी. मैंने कहा आज मिला के छोड़नी है, जो मर्जी हो जाए. आई नो. अच्छा ये बताइए कि क्या कहना चाहती हैं आप? ना ये आइस के नीचे ना जुलरियाँ हैं, तो वो स्माइल करूँ या ना करूँ बड़ी नुमाया होती हैं. आइस के नीचे आपकी झुरियाँ हैं? हाँ जी. एज भी नहीं इतनी, 45 है, लेकिन जुलरियाँ स्माइल करने के बगैर भी बहुत ज्यादा है. ओके, तो इसका कोई हाल बता दें. आप बताना है हाल. किसने बताना है? आपने. पहले इन लोगों से तो सुन ले. नहीं, अब आप ही बताइए. नो प्लीज, नहीं, इन लोगों से सुनिए फिर मैं बता देता हूँ. इन लोगों से सुनिए, पहले सुनिए. जी ठीक है, आप बताएं. अच्छा, सबसे पहले कि एज 45 हो गई है, आपको कॉलेजन इस्तेमाल करना है. आपको 45 से पहले भी थी ये, तो अब ओके. पहले तो स्माइल करने से आती थी, लेकिन अब स्माइल के बगैर भी आ जाती है. चलें ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए कि आप जो है हाइलुरोनिक एसिड लगाना शुरू कीजिए. विटामिन ई ऑयल, थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल लीजिए, उसमें एलोवेरा जेल मिलाइए थोड़ा थोड़ा सा. इसको बना के रख लीजिए, रात को सोते वक्त आपने अच्छी तरह से अराउंड आई मसाज करना है इसका, और उसके बाद छोड़ देंगे आप. एक्सेस जो ऑयल होगा उसको साफ़ कर दें, और सुबह उठ के अपना जो फेस वॉश करने के बाद आपने लाजमी उसके ऊपर आई सीरम्स आते हैं, आई क्रीम्स आती हैं, कुछ भी नहीं है तो नारियल का तेल ज़रा सा लगाना है, उस जगह को आप ड्राई नहीं छोड़ेंगे. बाकी ट्रीटमेंट्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं. लेकिन जो भी बात हो रही थी कि मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मोस्टली होता है कि अंडर अराउंड आई की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, तो जल्दी पतली होती है और रिंकल्स आना शुरू हो जाती है. तो आप जितना विटामिन ई लगाएंगी उतनी ही स्किन अच्छी होती जाएगी. आपको खुद अंदाजा होगा कि बहुत बेहतर हो गई है, जो झुर्रियाँ हैं वो उनकी मतलब गायब होना शुरू हो जाएंगी. लेकिन टाइम लेती हैं जाना. बिल्कुल. हाँ, यू डोंट एक्सपेक्ट. और उन्होंने बहुत अच्छा बताया, लेकिन ये नहीं कि वो ओवरनाइट ठीक हो जाएंगी, उसमें टाइम लगेगा. मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कभी कोई क्रीम्स इस्तेमाल की है फेस पे? पहले नहीं थी करती, लेकिन आप करती हैं. कौन सी करती हैं? ये पेट्रोलियम जेली, इस तरह की क्रीमें. रात पेट्रोलियम जेली तो ठीक है, इसके अलावा कोई आपने क्रीम्स इस्तेमाल की हैं? नहीं, बहुत कम यूज़ करती हूँ क्रीमें. अच्छा, क्योंकि कुछ क्रीम्स हैं जो स्किन पतली कर देती हैं, वो आंखों के नीचे मजीद पतली हो जाती है, तो फिर रिंकल्स हो जाते हैं. तो मैं ड्राई स्किन है ना, जिसकी वजह से. ड्राई स्किन है. ठीक है ठीक है, तो फिर उसको मॉइस्चराइजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और जिस तरह उन्होंने मेंशन किया हाइलुरोनिक एसिड, या कोई भी प्रोडक्ट आप लें जिसमें कैफीन बेस्ड हो, वो कैफीन बेस्ड प्रोडक्ट्स आपकी अंडर आइज़ के लिए बहुत अच्छे हैं. अच्छा एक चीज़ मैं अगर आप कहें तो मैं बता दूं. आप ही नहीं बतानी थी, हम तो भाई ने भी जरूर मुझे मशवरा देना है. जी जी मैं बता रहा हूँ आपको. आपने एक टोमेटो लेना है, उसके 4 पीसेस कर देना है. उसके बाद उसको फ्रीज़र में रखिएगा, फ्रिज में, मतलब फ्रिज के अंदर रख दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए. सुबह उठ के जब राइट आफ्टर व्हेन यू गेट अप, आपने उस पर थोड़ा सा शहद लगाना है. एंड जस्ट मेक श्योर यू अप्लाई इट थोड़ा सा ना, इस बहुत बहुत हल्के हल्की तरह से आप उसको अप्लाई कर दें. एंड लीव इट फॉर 2-3 मिनट करके, जस्ट लीव इट. और उसके बाद 5-7 मिनट के बाद आप उसको स्प्लैश करके ना अपने उसको साफ कर लीजिए, शहद वगैरह जो भी उसका थोड़ा सा रेजिड्यू हुआ. लेकिन ये आपको कंटिन्यूसली करना है. एक बात याद रखिएगा, इससे फ़ायदा ज़रूर होता है, बट देन अगैन जैसे डॉक्टर्स ने बताया है आपको हाइलुरोनिक सीरम लेना है, वो लगाना है, वो ज़रूर लगाइए. ये तो सिर्फ एक हैक है जो मैं आपको बता रहा हूँ. ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इमीडिएट इफेक्ट आते हैं, आपको इमीडिएटली थोड़ी सी तब्दीली लगेगी. मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी स्किन जो है यहाँ पर, अगर आप अंडर आई पे कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा आपकी स्किन जो है वो तकरीबन 2-3-4 साल पीछे चली गई है. लेकिन वो बहुत टेम्परेरी इफेक्ट होता है, शाम तक वो दोबारा वापस आ जाता है. इसको 3-4 वीक तक करना होता है टू मेक श्योर कि उसका जो असर है वो थोड़ा ज़्यादा दिन तक रहे. बट देखिए ये तमाम वो चीज़ें जो मैंने इस्तेमाल की हैं, मैं गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे सकता, बिकॉज मैंने भी ये हैक्स पढ़े थे. मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे इन चीज़ों ने फ़ायदा दिया है. आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर यू और नॉट, लेकिन इसको ट्राई करके देख लेने में कोई हर्ज नहीं है. और दूसरी बात में, जैसे उन्होंने कहा कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उनकी पूरी स्किन की जो ड्राइनेस है उसके लिए 1 टीस्पून जो है कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना शुरू कर दें. हाँ, और रात को सोने से पहले पैर के तलवों पर, नॉस्टल्स के अंदर, नाक के नथनों में और बेली बटन में थोड़ा सा तेल ज़रूर डालें. आप देखेंगे एक हफ्ते में स्किन नॉर्मल हो जाएगी इंशाल्लाह, ऐसे कि इंटरनल जो ड्राइनेस होती है वो उससे सही हो जाती है. ओके ओके, यू वांट टू ऐड समथिंग? आप कुछ ऐड करना? आई वांट टू ऐड कि अगर ये सब भी इनसे नहीं होता तो ये सिंपली ये कर सकती हैं कि टी बैग्स भी रख सकती हैं यहाँ अपनी आइज़ के अराउंड, तो उससे बहुत जल्दी इनकी रिंकल्स भी वैनिश होंगे और साथ साथ डार्क सर्कल्स भी इफेक्ट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. ग्रीन टी बैग्स आर गुड. उसमें टी होना जरूरी है ना? ग्रीन टी बैग में तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो
मेरे जैसा कुछ सुन रहा हूँ बोलेगा तभी मैंने टी बैग रखे ग्रीन टी बैग्स जो है ग्रीन टी बैग्स और बिल्कुल गरम गरम ना आप रख दीजिएगा प्लीज थोड़ा रूम टेम्परेचर जब हो जाए तो फिर आप आने के बाद वो तो चाय बनाने के बाद जब आप निकालेंगे उसको आप जो है वो कैफीन भी आ जाता है वो सब होता है ना तो वो बहुत हेल्पफुल होता है रिंकल्स को मैनेज करने में और डार्क सर्कल्स को भी खत्म करने में. तो देखिए बात हम कर ही रहे हैं बट अगेन ये तमाम रेमेडीज सिर्फ उस वक्त काम करेंगी जब आप इसके लिए काम करेंगे.